पुलिस भी पकड़ सकती है वैसे। हेलो दोस्तों, गुड भैया। हाँ भाई, लेके आ गया हूँ काफी सारे गैजेट इस थैले में भर के। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भाई कमाल के गैजेट्स, 10 गैजेट्स हैं और बहुत ही अतरंगी सतरंगी और काम में भी आने वाले गैजेट हैं, ऐसे नहीं मतलब हवाबाजी। तो यहाँ पर जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक गैजेट के बारे में बात करेंगे और अगर आपको बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से पहले गैजेट की बात करते हैं। तो पहला गैजेट निकालने के लिए हम झोले में हाथ डालेंगे और ऐसे करके पहला गैजेट, वैसे मैंने चुन ही लिया था लेकिन फिर भी दिखाना तो जरूरी है ना। तो पहला गैजेट भाई ये है, यह है इनक्रेव इट। अब ये क्या गैजेट है इसकी बात करते हैं भाई। देखने में ऐसी पैकेजिंग में कुछ आता है और खुलना बहुत आसान है, मतलब ऐसे खोलो ऐसे खुल जाता है। मैंने अभी तक तो यूज़ नहीं करा है, बस पहली बार खोल के दिखा रहा हूँ। और करता क्या ये काम, तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। अगर किसी ग्लास के ऊपर, किसी कवर के ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर, लकड़ी के ऊपर अगर आपको अपना नाम लिखना है तो भाई इसकी मदद से आप लिख सकते हो। मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है, सीधे यहीं पर अनबॉक्सिंग चल रही है और यूज़ करेंगे इसको। तो यहाँ पर सेल डलते हैं और यहाँ पर आगे मतलब इसकी नॉब सी बनी हुई है और देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो चलो यूज़ करते हैं, फिर आगे गैजेट की बात करते हैं। तो भाई सेल वगैरह डाल ली है मैंने इसके अंदर और ये बिल्कुल रेडी, आवाज़ देख रहे हो। और अपने पास सामान भी सारा रेडी है, मेटल भी रेडी है, वुड भी रेडी है यहाँ पर। और इसके बाद हमने यहाँ पर कवर भी ला रखा है और इसके साथ साथ एक प्लास्टिक का आइटम यानी कि कीबोर्ड भी ला रखा है। सब पे अपने नाम लिखेंगे और ये सब डब्बा खोल चैनल की प्रॉपर्टी है तो भाई सब पे लिखेंगे। सबसे पहले बोर्ड वाले को ही निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब इसके नाम लिख के देखते हैं भाई कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो भाई इतना ही लिख लेते हैं, देखो लिख तो दिया है इसने ढंग से लेकिन ज़्यादा अगर लगा दो ना इसे तो देखो रुक जाता है, रुक जाता है। तो चलो इस पर तो फेल। मेटल वाले को भी यूज़ करके देखते हैं, मेटल वाले पे कैसे यूज़ कर रहे हैं। वैसे मेटल वाले पे कम रुक रहा है भाई, मेटल वाले पे भी सही तरीके से काम कर रहा है। अब अगली बारी इस केस की है क्योंकि भाई दिखा रखा है उसमें कि केस के ऊपर भी काम कर रहा है, तो एक बार इस पर भी लिख के देख लेते हैं। इस पर भी काम कर रहा है लेकिन हल्का हल्का, मतलब देख रहे हो बहुत हल्का हल्का काम कर रहा है। अगर मैं ऐसे कुछ काम करूँगा ना ऐसे, तो ऐसे कर रहा है शायद ये, आई थिंक हम यूज़ गलत कर रहे हो। आई थिंक ये ऐसे ज़्यादा सही चल रहा है। तो मतलब सही चीज़ है, अगर आपको किसी चीज़ पर लिखने का शौक़ है, कहीं भी अपना नाम, अपने किसी और चीज़ का नाम लिखने का शौक़ है तो बिल्कुल ले सकते हो यार। वैसे इसके ऊपर 999 लिखा हुआ है प्राइसिंग, लेकिन मैंने शायद मंगाया ये 230 या 240 रुपए के आसपास। दूसरे गैजेट की बात करते हैं और मैं हाथ डाल लेता हूँ भाई दूसरा गैजेट, अपने आंखों से निकालूंगा क्योंकि ऐसे निकाल रहा हूँ तो कुछ और निकल जा रहा है, क्योंकि लिस्ट तो मैंने कुछ और चीज़ की बनाई है ना। तो दूसरा गैजेट है भाई ये वाला मसाज रोलर। अब ये देखने में ना कुछ और दिख रहा होगा, मतलब बाहर से निकाल के दिखाता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। अब इसकी बात करते हैं, सबसे पहले डंबल नहीं है ये, और यहाँ पर जो रोलर है मतलब वो भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अब ये मसाज रोलर है, अगर आप खड़े होकर काम करते हो अपने घर के अंदर और पैरों में दर्द होने लगता है या फिर आपकी मम्मी के, पापा के या फिर आपके भी, तो भाई आप इसको मंगा सकते हो। जैसे चप्पलें ही चलती हैं जिसके अंदर वो डॉट डॉट से बनी होती हैं, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, ये भी कुछ उसी तरीके से काम करने वाली चीज़ है। और अगर आपके पैरों में दर्द होता है चलते वक्त या फिर एड़ियाँ सूज जाती हैं ऐसा कुछ है तो भाई इसको मंगा सकते हो। रखो इसको और ऐसे करके यूज़ कर सकते हो, अपना अपना पैर रखो और ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी, 650 रुपये के अंदर मंगाई है और हैवी काफ़ी है, बिल्ड अच्छी है, मतलब मैं सोच रहा था खाली ना हो कभी, हल्की सी ना हो टूट जाए, लेकिन अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर मिल जाती है। तो इस झोले में एक बार और हाथ डालेंगे और भाई एक और चीज़ निकाल लेंगे और ये हमारा तीसरा गैजेट, ये है एक स्टाइलिश और ये हमने टैब के लिए मंगाई है। अब देखते हैं 350 रुपये की जो स्टाइलिश है वो कैसे काम करती है। वैसे जो टैब के साथ स्टाइलिश या फिर जो पेंसिल आ रही थी ना वो काफ़ी महंगी थी, आई थिंक वो 6000 या फिर 10000 या फिर एप्पल की तो और महंगी आती है। तो हमने सोचा क्यों ना सस्ती वाली से काम चलाया, तो खोलने के बाद ऐसी पैकेजिंग में आती है भाई, ऐसी पेंसिल देखने को मिल जाएगी। देख लो शक्ल अगर मुँह मुँह वाली नहीं है लेकिन हाँ फील पूरी आ रही है कि हाँ भाई कुछ महंगी चीज़ पकड़ी है 350 रुपये के अंदर। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और पूरी मेटल की फिनिश के साथ आती है। हाँ लग रहा है कि 350 रुपये खर्च करें बेसिक से चले ना ये, तो चला के भी देख लेते हैं। तो गाइस पेंसिल भी है और यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास किताब भी यानी कि टैब भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिया है मैंने पेंसिल वाला शेड और यहाँ पर इसकी जो लाइनिंग है फुल रखेंगे और इसकी जो मोटाई है वो कम रखेंगे। तो ठीक है पहले साइन करके देखते हैं। तो भाई प्रवीण, जब मैं लिख रहा हूँ प्रवीण, तो कहीं कहीं लैग जरूर कर रहा है, वैसे सही चल रहा है
दूसरा कुछ लेके देखते हैं एक बार, पेंसिल से ये वाले लेके देखते हैं। बहुत सही तरीके से काम कर रहा है, सही है। मतलब अगर आपको ड्राइंग वगैरह बनानी हो, झोपड़ी बनानी हो, ऐसे करके कुछ बनाना हो, समझ लो अभी तो काम चलाओ सा है, काम कर सकते हो। और हाँ एक चीज़ और बहुत सही है, वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि सही तरीके से काम भी करती है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो अब जल्दी से, और हाँ वो घंटा होता है ना जो घंटा, वो भी दबा दो। तो फिर से खुल जाओ सिम सिम, चौथा प्रोडक्ट हमारा निकल के आ चुका है और ये है एक हेयर स्ट्रेटनर। अब ये भाई काफ़ी लोगों ने मेरे को रिकमेंड कर दिया था, मतलब तीन चार लोगों ने बोल दिया था कि भाई मंगाओ एक बार, दिखाओ क्या करता भी है कुछ नहीं करता। लड़कों का प्रोडक्ट है तो भाई लड़के तो मतलब पूछेंगे कि मतलब है कुछ काम का या फिर नहीं काम का। तो भाई खोल लेते हैं इसको, ऐसी पैकेजिंग में आता है। एक और डब्बा, और डब्बे के अंदर भाई तार तो काफ़ी लंबी दे रखी उन्होंने, तो ऐसी कुछ बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। देख लो बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, वायर यहाँ पर दे रखी है और वायर काफ़ी लंबी, आई थिंक 1.2 मीटर के आसपास यहाँ पर वायर मिल जाती है, क्वालिटी अच्छी है। अब इसकी बात करते हैं। तो भाई ये ना मैंने यूट्यूब पे देखा था और भी काफ़ी लोगों ने मंगा रखा है, और कैसे काम करता है उसकी बात करते हैं। तो पहले इसको प्लग में लगा दो, उसके बाद ना इसे थोड़ी देर गर्म होने देते हैं और उसके बाद हेयर पे यूज़ करेंगे। तो भाई साहब ये मैंने पूरी तरीके से गर्म कर लिया है और बहुत देर से मतलब ये गर्म हो रहा है। और वैसे देखो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ये अपने बालों पे लगाओ और दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको टेस्ट करने के लिए अभी वैसे छू के भी देख रहा हूँ ना, तो गर्म तो हो रहा है, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि मतलब आपका हाथ जलता नहीं है, ये चीज़ अच्छी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लगा के देख रहा हूँ मैं, थोड़े थोड़े लगाऊंगा क्योंकि भाई वैसे चार बाल हैं और उड़ गए तो बस हो जाएगा काम। साइड साइड से लगा के देख रहा हूँ बस। तो यार मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ काम का है भी, क्योंकि ना ये बस हीट कर रहा है और कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि मैं इधर से अब करना चाहूँ बालों को तो ये उधर कर दे ना, किसी काम का नहीं। एक जो नॉर्मल कॉम होता है ना वैसे कुछ काम करता है। तो भाई 600 रुपये बर्बाद हैं अपने, 650-700 जितने का भी आता है मत लेना, मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है ये। तो भाई फिर से हाथ डालेंगे इसके अंदर और निकालते हैं अपना नया प्रोडक्ट। ये तो खाली है, हाँ ये है हमारा नया प्रोडक्ट। वैसे डब्बा ऐसा था, इसके अंदर आया था, और ये है हमारा कोना स्टडी प्लग। अब ये जो प्लग है ना मल्टी प्लग है, 3 और 2 के साथ साथ, मतलब तीन तो यहाँ पर आपको प्लग मिल जाएंगे, 1, 2, 3, और इसके साथ साथ यूएसबी के 2 पोर्ट भी मिल जाते हैं इसके अंदर। और भाई प्राइजिंग प्राइजिंग बहुत सही है, 250 रुपये के अंदर ये वाला नहीं मिलेगा, 250 रुपये के अंदर मतलब यूएसबी वाला नहीं मिलेगा। ये मैंने मंगाई 360 रुपये के आसपास, हाँ 360 रुपये के आसपास पड़े, डिलीवरी चार्ज वगैरह लगा के 400 रुपये के मुझे पड़े। और अच्छी बात बताऊँ, मैंने एक ऑर्डर करा था भाई, मुझे 2 मिल गए भाई, मज़ा ही आ गया, मतलब दिक्कत नहीं है। हाँ एक में थोड़ा सा प्लग व्लग थोड़े से टेढ़े मेढ़े जरूर हो रहे हैं, लेकिन भाई एक के बजाय 2 मिल गए 400 रुपये के अंदर, भाई मज़ा ही आ गया। 200 रुपये के पड़े मुझे, वैसे तुम्हें नहीं मिल पाएगा लेकिन मुझे मिल गए, पता नहीं कैसे किस्मत थी मेरी। तो चलो इसको अभी यूज करके देख लेते हैं और कैसे काम कर रहे हैं ना उसकी बात कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया इसको यूज करना, और यहाँ पर मतलब आप मल्टीपल प्लग लगा सकते हो और ये नॉर्मल किसी भी सॉकेट के अंदर इंसर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हमने एक यूएसबी केबल भी लगा रखी है और उसके साथ साथ अपना फोन चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पर कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है, पहले बता रहा हूँ, काफी लोग सोच रहे हैं कोई फास्ट चार्जिंग में रहा है, नहीं भाई फास्ट चार्जिंग नहीं है, नॉर्मल जैसे चार्ज होना है, आई थिंक ये 10 या 5 वॉट के आसपास, तो आपका फोन उस तरीके से धीरे धीरे चार्ज होता रहेगा। पर उससे पहले एक और प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, ये है लिंट रिमूवर। आजकल पता है ये सर्दी वाले जो कपड़े हम पहन रहे हैं जिनके ऊपर ये रुए से उड़ जाते हैं, और इनको साफ करने के लिए भाई ये प्रोडक्ट मंगाना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। मैं मंगा रहा था लेकिन काफ़ी डिले हो रहा था, तो भाई मैंने किसी और की क्लिप यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, क्योंकि वो बहुत लेट आ रहा था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर होता क्या है, इस प्रोडक्ट के अंदर जितने भी ये रुएं उड़ जाते हैं ना आपके स्वेटर के ऊपर, या फिर आप जो भी कोट वगैरह पहन रहे हो सर्दियों के, जो भी कंबल वगैरह जो भी है, जो ब्लैंकेट वगैरह, तो उसका काम क्या है, जितने भी रुएं उनको आराम से काट देता है। अगर आप ट्रिमर वगैरह से यूज़ कर रहे हैं ना, तो भाई ट्रिमर ना कभी कभी क्या करती है, ज़्यादा गहरा छेद कर सकती है, वो चीज़ कट सकती है। इसके अंदर ये चीज़ अच्छी है कि मतलब यहाँ पर रखो और ऐसे ऐसे फिराते रहो, जितने भी वो लिंट्स है ना सबको अपने आप साफ कर देता है। अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं और अपना हाथ डाल लेते हैं, और यही तो वो चीज़ है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। अब कहोगे ये क्या चीज़ है भाई, और ये आया कब, तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। तो भाई ये है नैनो बैग। हाँ इसके अंदर बैग है, बहुत छोटा सा दिखाई देता है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसकी बात करी थी, अगर वो वीडियो नहीं देखी है
तो यहाँ आई बटन के अंदर लिंक डाल दूंगा। OMG प्रोडक्ट थे वो और काफ़ी कमाल के प्रोडक्ट थे, तो उसमें ये मतलब इसका जिक्र किया था मैंने। तो भाई ये जो चीज़ है ना 250 रुपये के अंदर मैंने बाय करी है, 2 TC निकली है, रिटर्न जाएगी मेरी तरफ से। काफ़ी लोगों के लिए काम हो सकता है इसका, लेकिन मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन बता दे रहा हूँ कैसा काम करता है क्या चीज़। ये एक ऐसा है, इसको मतलब पकड़ो और यहाँ से आप अपने बैग को निकाल सकते हो। अब जिसमें से मैं अभी तक सारे गैजेट निकाल रहा था ना, वो बैग यही था, अगर किसी ने नोटिस करा हो तो। तो यहाँ पर भाई इसको निकाल सकते हो, थोड़ा सा निकालना मुश्किल ज़रूर है लेकिन आराम से निकल जाता है। इसको 2 बार ऐसे 3 बार घुमाओ, फिर ये थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है और ऐसे निकल जाता है। तो यहाँ पर भाई ये जो बैग है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का तो बना हुआ है, लेकिन भाई इस पर ना ये सिलवटें से आती रहती हैं, तो ये कुछ ऐसा चौकोर सा बन जाता है और इसके अंदर कुछ भी रख के ला सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये इसको रखने के लिए जगह नहीं बनाई, इसी में रखना पड़ता है। तो बार बार जो मैं गैजेट्स निकाल रहा था ना, तो इसी में से निकाल रहा था। अब काफ़ी लोगों ने नोटिस कराओ तो कराओ, नहीं कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से देख लेना इस वीडियो को, पता लग जाएगा। तो भाई थैला टाइप बन जाता है ये और इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो, और ये 250 रुपये का आता है। और फिर से अगर आपको समेटना है तो भाई इसको घुमाते रहो, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। तो यही चीज़ बोल रहा हूँ, काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है हेल्पफुल, लेकिन अगर थोड़ा सा और बड़ा होता ना तो ज़्यादा हेल्पफुल होता, मेरे को थोड़ा सा छोटा लगा अगर आप प्राइसिंग की बात करो 250 रुपये। वरना इसको तो हम जेब में भी रख ला सकते हैं यार, पन्नी वगैरह अगर ऐसे लाएंगे तो जेब में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। अगला जो प्रोडक्ट है ना वो भी काफ़ी कमाल का है और काफ़ी बार देखा होगा, वो है ये, नहीं दिखा क्या? अरे ये रिंग्स सब लोग एक एक दिखा रहे ना, हमने 3 मंगा ली भाई, हमने 3 इसलिए मंगा ली, अलग अलग कलर में, गोल्डन, ये नीली और ये चमकीली। तो मतलब देख लो पहले एक बारी। तो यहाँ पर मंगाने का मकसद यही था भाई, काफ़ी लोग बोल रहे हैं भाई इसके अंदर मतलब टेम्परेचर पता लग जाता है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई इसके अंदर लाइटें जल जाती हैं, चार्ज नहीं करना पड़ता है। तो मैंने भी मंगा के देख ली भाई कैसे काम कर रही है, क्या चीज़ है, क्या सीन क्या है इसका। तो भाई यहाँ पर मैंने इनको पहन लिया है, और पहनते ना एक तो मुझे दिखा रही है 29 सेल्सियस, ठीक है, एक कुछ भी नहीं दिखा रही है अभी मुझे, और एक के अंदर सिर्फ सी लिखा रहा है। अब सी का मतलब समझ रहे हो क्या बना रही है मुझे। तो मतलब मैं थोड़ी देर पहन लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर। अब इन रिंग्स की बात करूँ तो देख रहे हो यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और नज़र आता जा रहा है, मतलब अभी तक इसमें कुछ और था, 27-28 दिखा रहा था, अब 31 दिखा रहा है यहाँ पर, और अभी 33 भी दिखा रहा था किसी किसी में, इसके अंदर भी 33 दिखा रहा था, और यहाँ पर भी 33 दिखाई दे रहा होगा अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा, आई थिंक मेरे को फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ेगा तब जाके यहाँ पर ये दिखाई दे पाएगा। तो ऐसी कुछ है, मतलब फंकी सी दिखाई देती है, अगर आपको यूज़ करनी है भाई, किसी को विचित्र स्थिति में दिखाना है कि हाँ भाई हम ये ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अगली जो चीज़ है ना वो काफ़ी कमाल की अतरंगी सी लग सकती है, ये है एक हेलोइन मास्क, और भाई काफ़ी कमाल का लगता है। अभी जलाऊंगा ना लाइटें तो बिल्कुल मतलब पता ही नहीं लगेगा आपको, हल्का फुल्का कुछ पता लग रहा हो तो पता लग रहा हो, लेकिन अंधेरे में अगर यूज़ करते हो ना भाई बहुत सही लगता है, हैकर जैसी फीलिंग आती है। एक बार पहन के बता देता हूँ आपको, तो भाई ऐसा कुछ लुक आता है, अंधेरे में अगर मैं और थोड़ा सा चला के दिखाऊंगा ना तो भाई ऐसा कुछ लुक आता है, और भाई बहुत खतरनाक सा, मतलब ऐसा मास्क और भी है लेकिन मैंने ये वाला चूज़ इसलिए करा क्योंकि थोड़ा सा कलरफुल वगैरह ज़्यादा थे और थोड़ा सा बढ़िया लग रहा था। बाकी इसके अंदर सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर एक कंट्रोलर मिल जाता है, 2 सेल डालने पड़ेंगे, वायर को इतनी लंबी है पीछे लगा लो, और क्रिसमस आने वाला है तो मतलब अब पता नहीं जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तब आ चुका होगा या फिर नहीं, लेकिन न्यू ईयर से पहले डाल चुका हूँ भाई, यूज़ करके कहीं बाहर निकल जाना, मज़े ही आ जाएंगे तुम्हारे। और दोस्तों अगला जो प्रोडक्ट है ना ये है एक, देख रहे हो क्या, टॉर्च, नहीं टॉर्च नहीं है, क्या लग रहा है तुम्हें, डंबल, कुछ और चीज़ नहीं। हेलो दोस्तों, हेलो 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 हेलो, वो शादियाँ नहीं होती यूपी बिहार में तो भाई वो गाने गाते हैं, वो गाना नहीं गाते यूपी बिहार में, मतलब जब किसी की फरमाइश पे कोई गाना चलता है, और गाना चलेगा आपकी फरमाइश पर मेरे यार की शादी है, कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहा हूँ मेरी शादी में तू ही बजाएगा गाने, भाई फीलिंग पूरी वही आ रही है गुल्लू, फीलिंग पूरी वही आ रही है गुल्लू बैंड वाले की। हेलो दोस्तों, गुल्लू बैंड वाला आपका स्वागत करता है इस ऑर्केस्ट्रा में, और अगला गाना बजेगा जिमी जिमी। तो मतलब मैंने ना इसके लिए रील देखी थी इंस्टाग्राम पर, मतलब बहुत वायरल हुई थी वाली रील, ये वाली रील थी, तो मुझे लगा यार क्यों ना मंगाया जाए, लेकिन तब मुझे लग रहा था कि शायद इसके अंदर ना वॉइस चेंज हो जाती है, और वॉइस चेंज नहीं होती, बस यहाँ पर आपको इको मिल जाती है, इको को कम ज़्यादा कर सकते हो, वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पर आपको माइक्रोफोन है, यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है, तो भाई जब भी कुछ बोलोगे ना भैया
5 रुपए की मैगी दे दो प्लीज। एक्सक्यूज मी भैया, 5 रुपए की। मुझे लगा था यार कि शायद वॉइस चेंज आती है, लेकिन वॉइस चेंज नहीं होती। है कमाल का प्रोजेक्ट, है कमाल का प्रोडक्ट, लेकिन महंगा है, 1000 रुपये के आसपास आता है। अगर कहीं ऑफलाइन मिल रहा हो तो शायद 200-300 रुपये का मिल जाएगा, और बैटरी बहुत कम चलती है और आवाज़ बहुत गूंजती है। तो इसी बात पर सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो। मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी सभी गैजेट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी ये गाना बजेगा झिमी झिमी।